डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोग साइंस में एक बायो के चैप्टर, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है जीव विज्ञान और जैव प्रक्रम। वो तो जीव विज्ञान में ही आता है ना, तो जीव विज्ञान के एक चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और इस जैव प्रक्रम में हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट एक पंपिंग की तरह काम करता है, जो ऑक्सीजन वाले रक्त और बिना ऑक्सीजन वाले रक्त को, जो वी ऑक्सीजनित जिसको बोल सकते हैं, जो ब्लड है उसको ऑक्सीजनित वाला ब्लड करता है, यानी कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त बनाता है हमारा हार्ट पंप करने के दौरान। ठीक है, जिसमें धमनी होती है, सिराएं होती है। धमनी का काम है हमारा हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी तक फैला देना, और सिरा का काम है हमारे पूरे ब्लड से अशुद्ध रक्त को उठाकर वापस हृदय में डाल देता है शुद्ध होने के लिए। ठीक है, तो हम लोग मानव में परिवहन को डिस्कस कर रहे थे कि मानवों में परिवहन कैसे होता है। तो हम लोग हार्ट के बारे में पढ़े, हृदय के बारे में पढ़े, लसिका के बारे में पढ़े, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़े, रुधिर वाहिकाएं यानी कि धमनी और सिराएं के बारे में पढ़े। हम लोग ये भी पढ़े हमारा हार्ट में कितने कोस्ट होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, तो चार चैम्बर होते हैं। हम लोग ये भी पढ़े कि मछलियों में कितने कोस्ट होती है और जलीय जीव यानी सरीसृप में कितने कोस्ट होती है। तो ये बिल्कुल सटीक क्वेश्चन आता है कि सरीसृप प्राणियों में कितने कोष्ठ होते हैं, या मछली में कितनी कोष्ठ पाई जाती है, मछली के हृदय में कितनी कोष्ठ पाई जाती है। तो जो टॉपिक्स दोस्तों आपको हम लिखवाए हैं, हर एक टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में ये भी डिस्कस किए थे कि जैसे मानवों में ब्लड का परिवहन होता है, जो हम लोग खाते हैं यानी कि भोजन, जो बचा हुआ भोजन है उससे लसिका जो है उसको वसा को वहन करता है, यानी वसा को ढोता है हमारे पूरे शरीर में। तो जैसे मानवों में होता है, सेम थिंग पादपों में होता है। पादप का मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे में भी जल और भोजन का परिवहन होता है, इसलिए हम लोग पढ़े कि पेड़ पौधों में मुख्य दो पदार्थों का परिवहन होता है, पहला जल का परिवहन और दूसरा भोजन का परिवहन। याद रखें कि हम लोग ये भी पढ़े थे कि हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को देखेंगे कि आखिर पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है। पादपों का मतलब पेड़ पौधे। दोस्तों, हम लोग ये भी देखेंगे कि पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता है, क्योंकि पेड़ पौधे अपने पत्तियों के द्वारा भोजन बनाते हैं। जब ये पत्तियों के द्वारा भोजन बन गया तो पूरे शरीर में आखिर कैसे फैलता है, क्यों फैलता है। ठीक है, दूसरी बात कि पेड़ पौधों की सिर्फ जड़ें ही ना मिट्टी में रहती है, लेकिन उसके उच्चतम बिंदु यानी कि ऊपर तक के क्यों चला जाता है वाटर, क्योंकि किसी भी पौधों की पत्तियां को आप तोड़ते हैं तो उसमें उससे रस निकलता है, या पौधों की पत्तियां हरी होती है उसमें पानी की मात्रा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पौधे की जड़ें सिर्फ मिट्टी से सोख कर जड़ तक ही पानी को नहीं रखते हैं, जबकि वो ऊपर यानी कि पेड़, कोई भी पेड़ का सबसे उच्चतम स्थान तक, उच्चतम वाले पॉइंट पे, सबसे ऊंचा वाले पे ये जड़ को पहुंचाता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, क्या होता है, तो हम लोग सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग अलग अलग टॉपिक्स करेंगे कि पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है और पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता है, यानी भोजन जो पेड़ पौधों में भोजन जो बनता है वह एक जगह से दूसरे जगह तक किसके वजह से जाता है। या जल का बात करें तो पेड़ पौधों की जड़ें सिर्फ मिट्टी में जकड़ी हुई रहती हैं, तो हम लोग सिर्फ जानते हैं कि जड़ जो है पानी सोखता है, तो सिर्फ जड़ अपने पास ही जल को नहीं रखता है, जबकि पूरे पौधों में, पूरे पेड़ में जल को भेजता है। तो जल किसके माध्यम से जाता है, क्या होता है, कैसे, वो सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक बनाया जाए पादपों में जल का
परिवहन, पादपों में जल का परिवहन, पादपों में जल का परिवहन। सबसे पहला बात कि पादपों में जल का परिवहन, फिर हम लोग इसके बारे में बात पढ़ेंगे पादपों में भोजन का परिवहन, ठीक है। तो सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट इसके नीचे एरो देकर लिखा जाए, फिर हम समझाते हैं। तो फर्स्ट एरो देकर लिखा जाए, लिखेंगे पादपों में जल का परिवहन, पादपों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम देख लीजिएगा, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, जो जो जड़े जो जड़े तना तना तथा तथा पत्तियों के वाहिकाएं पत्तियों के वाहिकाएं आपस में जुड़कर एक एक संतत जाल बनाती है, एक संतत जाल बनाती है। चलिए, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए पादपों में जल का जो परिवहन होता है वो किसके वजह से होता है, तो याद रखिएगा जल जाइलम ऊतक के द्वारा। यही काम करता है, जड़ से जो जल है यानी कि जड़ उसका मिट्टी में धंसा हुआ रहता है सब पौधे का, तो जो मिट्टी में जड़ धंसा रहता है तो जड़ क्या किया, मिट्टी से पानी को अवशोषित कर लिया, खींच लिया, ठीक है। और पौधों में एक जाइलम ऊतक होता है, याद रख लीजिएगा उसका नाम ही है जाइलम। जाइलम का काम है जल का ढोना, यानी कि पूरे पादप के शरीर में पूरे पौधों में जो जल ढोता है, जल को ढोने का कौन सा कौन काम करता है, तो जाइलम ऊतक। उसी तरीके से दोस्तों भोजन को ढोता है उसका नाम है फ्लोएम ऊतक, फ्लोएम ऊतक। बिल्कुल याद रखिएगा सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यही है कि पौधे में जो है जल का परिवहन कैसे होता है या फिर किसके माध्यम से होता है, तो पौधे में जो जल का वहन यानी कि जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है वो किसके वजह से, तो जाइलम ऊतक के वजह से। पौधों में जाइलम ऊतक पाया जाता है, उसका काम ही है जल को ढोना, यानी उसका काम है जड़ मिट्टी में से मिट्टी से जड़ द्वारा मिट्टी से पानी को सोख लिया और पानी को सोख कर स्टोर नहीं करता है, वो जाइलम ऊतक को भेज देता है। जैसे हम क्या किए, तो हम कुआं में से पानी निकालें और बस रख दिए, और वो जहां पर रखें उसका नाम है जाइलम, और वहां पर रखें तो जाइलम भी अपने पास नहीं रखता है, उसका काम ही है फटाफट भेज देना पूरे पौधों में। उसी तरीके से जो पौधों में भोजन बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो पौधे भोजन बनाया वो कहां बनाया, तो पौधे के पत्तियां द्वारा ना, जैसे कि पौधे की जो पत्तियां हुई उस पत्ती वहां पे पत्तियों में बन गया भोजन। तो क्या सिर्फ भोजन पत्तियों में ही रहता है, नहीं वो तने में जाता है, इसलिए तो पौधे का मोटाई होता है। धीरे धीरे 10 वर्ष का पेड़ है, एक 20 साल का पेड़ है, दोनों में मोटाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है। अगर मान लिया कि सिर्फ भोजन पत्तियों तक ही रहता तो फिर उसका मोटाई उटाई कैसे बढ़ता, है ना बात। इसीलिए जो पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भोजन बनाते हैं, तो उस भोजन का भी क्या होता है, वहन होता है,
वह भोजन भी पूरे शरीर में फैलाया जाता है। तो याद रखिएगा, पौधे में जो भोजन है वो फ्लोएम ऊतक, और जाइलम मतलब जल। देखिए नाम ही से पकड़ा रहा है, जाइलम जो है जल और फ्लोएम जो है फल। जल और फल, जल का कोण होता है जाइलम ऊतक, फल माने भोजन, फल कोण होता है फ्लोएम। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग हालांकि फ्लोएम ऊतक का बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम लोग जल का वहन देख रहे हैं ना, तो सिर्फ जाइलम ऊतक देखिए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट एरो देंगे, सेकेंड एरो। फर्स्ट एरो में लिखे ना, सेकेंड एरो लिखा जाए, पादप की जड़ें मृदा की संपर्क में रहती है। मृदा का मतलब दोस्तों मिट्टी, मृदा के संपर्क में रहती है तथा वे सक्रिय रूप से सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है, सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि पौधे की जो जड़ें हैं, ये मान लिया ये पौधे हैं, ठीक है, ये पौधे हैं, और इस पौधे का जो जड़ें हैं, ये जो जड़ें हैं, ये तो मिट्टी के संपर्क में रहती है, मृदा के संपर्क में रहती है, तो ये जो है काम क्या किया, तो जल को सोख लिया। ठीक है, और जैसे ही मृदा से जल को अवशोषण किया, ठीक है, जल को अवशोषण किया, तो वो जल को अवशोषण करने के बाद फटाफट आयन में तोड़ देता है। आयन का मतलब कौन सा, तो आयन दो प्रकार के होते हैं, पता होना चाहिए, एक को बोलते हैं धन आयन और एक को बोलते हैं ऋण आयन, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो फटाफट क्या किया कि जैसे ही जड़े हैं पौधों की जड़े, मिट्टी से जैसे ही जल सूखा, तो उस जल का सबसे पहले काम क्या करता है, आयन प्राप्त करते हैं, आयनों में तोड़ देते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि पौधों की जो जड़े हैं वो मिट्टी के संपर्क में रहती है, यानी कि मृदा के संपर्क में रहती है, और जैसे ही जल सूखती है तो आयन प्राप्त करती है। ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि मिट्टी में कई तरह के खनिज लवण भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, तो ये सब सारे का भी खनिज लवण का, ये सब खनिज लवण में आ गए, तो पौधों को इनकी भी जरूरत होती है, और ये सभी खनिज लवण कहाँ मौजूद होते हैं, मिट्टी में, तो ये भी जड़े खनिज लवण को भी अवशोषित करती है। ठीक है, चलिए तो थर्ड एरो लिखा गया, तीसरा एरो लिखेंगे, पौधों की जड़ें मिट्टी से जल प्राप्त करके, पौधों की जड़ें मिट्टी से जल प्राप्त करके जाइलम में भेजती है, और जल के स्तंभ का निर्माण करती है, जो जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है, चलिए हम लोग अभी जो लिखें, सबसे अहम बात है कि अगर मान लिया कि कोई पौधे हैं, ठीक है,
और ये पौधे हैं, ठीक है, ये पौधा है, यहां पे पौधों की जड़ें हैं, ठीक है, ये पौधों की जड़ें हैं। तो सबसे पहले क्या किया, तो ये जो जड़ें हैं मिट्टी से जल सूखा, और जल को सूखने के बाद यहां जाइलम होता है, जाइलम में डाल दिया, ठीक है, और जाइलम से जुड़ा हुआ एक स्तंभ होता है। स्तंभ का मतलब जैसे हम लोग कुछ नहीं देते हैं ऊपर से स्तंभ टाइप का, और फिर ऊपर से किसी वस्तु को टिकाते हैं, तो कहने का मतलब उसको स्तंभ कहा जाता है। वैसे ही जाइलम से एक जल स्तंभ लगा हुआ रहता है या निर्माण होता है। इसी जल स्तंभ में फटाफट क्या किया, तो जल ऊपर की ओर भेजता है, यानी कि जाइलम का काम है उस जल स्तंभ में, यानी कि बोल सकते हैं कि उस पौधा के अंदर बारीक बारीक ऐसा, जैसे हमारा कैसे बॉडी में नस है जिसमें ब्लड दौड़ते रहता है, वैसे ही बारीकी, एकदम से बारीक बारीक, एकदम से बारीकी पाइप होता है, एकदम से पतला पाइप, ठीक है, पौधों के अंदर, उसी में जाइलम जो है उसी पाइप में रिलीज कर देता है वाटर को, और वो सभी पूरे पार्ट पार्ट वाइज तक, कैसे हमारा पूरे बॉडी में नस फैला हुआ है, वैसे ही वो सभी पौधों के सभी भागों तक जल जो है पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अरु लिखेंगे, पौधों के उच्चतम बिंदु तक, पौधों के उच्चतम बिंदु तक जल को पहुंचाने का कार्य, जल को पहुंचाने का कार्य जाइलम ऊतक करता है, जाइलम ऊतक करता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पौधों में जो जाइलम ऊतक है वो पौधे को उच्चतम बिंदु तक, यानी कि जो जल है वाटर है वो सबसे उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने का काम करता है, सबसे उच्चतम बिंदु तक वाटर जो है पहुंचाता है। यानी कि जड़ों का काम है सिर्फ मिट्टी से जल को सोख कर और जाइलम में डाल देना, और जाइलम का काम है कि पौधे के सबसे उच्चतम पॉइंट, उच्चतम बिंदु तक, यानी कि सबसे ऊंचा वाला पत्ता तक वाटर को पहुंचाना, ये काम किसका होता है, जाइलम ऊतक का। तो लिखेंगे नेक्स्ट एरो, पौधे के पत्तियों द्वारा, पौधों के पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन होते रहता है, जल का वाष्पोत्सर्जन होते रहता है, अतः जाइलम हमेशा, अतः जाइलम हमेशा जड़ों से जल लेकर, जड़ों से जल लेकर पादपों के पत्तियों तक, पादपों के पत्तियों तक वहन करते रहते हैं, पादपों के पत्तियों तक वहन करते रहते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हम लोग चाहे खाते हैं पीते हैं सोए रहते हैं, चाहे काम करें या न करें, लेकिन हमारा जो हृदय है क्या कभी पंप करना बंद करता है, नहीं ना, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो हमेशा पंपिंग करते रहता है, वो पंपिंग करते रहता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब कि जिस तरीके से हमारे ब्लड में, जो हमारे बॉडी में नस होते हैं, उस नस में ब्लड हमेशा प्रवाहित होते रहते हैं दोस्तों, उसी तरीके से एक पेड़ पौधे की जो जड़ है वो हमेशा मिट्टी के साथ जुड़ी हुई रहती है और जल सोखते रहती है। क्यों? क्योंकि जो पौधों की पत्तियां होती है तो पत्तियों में तो जल की मात्रा है, तो क्या हुआ,
तो वाष्पुत सर्जन की क्रिया द्वारा पौधे की पत्तियों से जल उड़ता भी है। जैसे गर्मी के दिनों में भरा हुआ तालाब पोखरा से पानी जो है उड़ जाता है, उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकृत। ठीक है, यानी कि पौधा सॉरी जो तालाब में भरा हुआ पानी था, गर्मी की वजह से टेम्परेचर की वजह से वो पानी क्या होता है, धीरे धीरे उड़ जाता है और फिर वो बादल का निर्माण करता है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों हम लोगों को जानना चाहिए कि पेड़ पौधे भी कभी तालाब से कम नहीं है, पेड़ पौधों से भी जल जो है ऊपर जाता है और बादल का निर्माण होता है। इसलिए कहा जाता है ना कि जहां पे पेड़ पौधा ज्यादा है वहां पे ज्यादा बारिश होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो ज्यादा जल ऊपर वाष्पोत्सर्जित होगा, यानी कि पेड़ पौधे ज्यादा जल सोखेंगे, और ज्यादा जल सोखेंगे इसका मतलब यह हुआ कि मिट्टी के अंदर भी हम लोगों का जो पानी का लेयर है वो ऊपर रहेगा, और दूसरा कि जैसे ही पत्ती में पानी पहुंचेगा तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब टेम्परेचर पड़ेगा पौधों पर तो क्या होगा, उससे जल जो है उड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब कि किसी भी पेड़ पौधों में के पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जल का सूर्य के प्रकाश द्वारा सोखना, यानी कि जैसे ही पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो क्या हुआ, हीट होता है, पौधों की पत्तियां हीट होती है और उससे जल जो है अवशोषित होती है। जिस प्रकार भरा हुआ पड़ा हुआ गर्मियों में तालाब के पानी सूख जाता है उसी तरीके से वहां पे भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसके उपरांत अतः इसीलिए हमेशा जाइलम काम करता है, पौधों के हर भाग तक ऑक्सीजन नहीं जल को पहुंचाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो जैसे हमारा बॉडी में रक्त हमेशा दिन रात प्रवाहित होता है, आपको जानना चाहिए पौधे में भी दिन रात हर टाइम जल और भोजन का वहन होता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट को लिखा जाए पादपों में जल के तरह ही अन्य खनिजों का ऊपरी मुखी गति होता है। अन्य खनिजों का ऊपरी मुखी गति होता है। ठीक है, अब ऊपरी मुखी गति का मतलब क्या, देखिए अभी हम बताएं ना कि पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी से क्या सोखती है, जल, हालांकि ज्यादा मात्रा में जल सोखती है। हालांकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे खनिज लवण भी पाए जाते हैं जो पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी है, तो वो जड़ क्या किया, तो जल के अलावा यानी कि पानी तो सोखता ही सोखता है, उसके अलावा मिट्टी में पाए जाने वाले नाइट्रोजन फास्फोरस को भी खींचता है। ठीक है, तो उसको खींचता है, यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि जल का तो वहन करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं मिट्टी में उसको भी क्या करता है, जड़ जो है उसको भी अवशोषण करता है, उसको भी खींचता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग देखें कि आखिर पौधों में, अच्छा ऊपरी मुखी गति का मतलब क्या, जैसे मान लिया कि जड़ का काम है सोखना, तो सोख कर कहां ले जाएगा, तो पौधे के हर भाग तक पहुंचाएगा, तो ऊपर की ओर जो गति हुआ इसी को बोला गया ऊपरी मुखी गति। ठीक है, यानी जड़ से लेकर और पूरे पौधे के ऊपर ऊपर भाग तक जल का वहन करता है, उसके साथ साथ खनिज पदार्थों का वहन करता है, खनिज पदार्थ पहुंचाया जाता है, तो इसी को ना हम लोग बोलते हैं ऊपरी मुखी गति, यानी कि ऊपर की ओर होने वाले गति को ऊपरी मुखी गति कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए पादपों में भोजन का परिवहन।
यानी अभी हम लोग देख रहे थे कि जल का परिवहन, इसके बाद हम लोग देखेंगे पौधों में यानी कि पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता है। तो अब लिखा जाए टॉपिक, पौधों में या पादपों में, पादप का मतलब भी होता है पौधे, ठीक है, पौधों में भोजन का परिवहन। ये टॉपिक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं। हालांकि अभी अभी हम आपको बता ही दिए हैं कि फ्लोएम का मतलब फल को, यानी कि फ्लोएम जो है भोजन को वहन करता है, भोजन को ढोने का काम करता है, लेकिन जाइलम ऊतक जो है वो पौधों में पाया जाता है और वही हम लोगों के लिए जल को ढोता है किसी भी पौधों में। तो किसी भी पौधों में जल का जो वहन होता है वो किसके वजह से होता है दोस्तों, जल जाइलम ऊतक की वजह से। और पौधों में फल यानी कि भोजन को ऊपर से नीचे यानी कि पूरे शरीर में फैलाया जाता है। किसके शरीर में? मेरे नहीं ना, पौधों में। तो पौधों के शरीर में, पौधों के हर भाग तक भोजन जो फैलाया जाता है, पहुंचाया जाता है, वो किसके वजह से? तो फ्लोएम की वजह से। तो चलिए वही सब सारा बात है जो समझाया हुआ है। लिखा जाए फर्स्ट एरो, हम जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं जिसका वहन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। तो यही बात लिखे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी पेड़ पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। अब वो जो भोजन बनाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो अब वो भोजन का वहन कैसे होगा? तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। तो यही हम लोग लिखें। चलिए सेकेंड एरो देंगे, लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, फ्लोएम ऊतक प्रकाश संश्लेषण के अलावा, फ्लोएम ऊतक प्रकाश संश्लेषण के अलावा एमिनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। देख लीजिए, सबसे पहला बात, हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं पहले कि पेड़ पौधों में भोजन के साथ साथ अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। अमीनो अम्ल यानी कि भोजन में कौन से अम्ल पाया जाता है, यानी पौधों में अमीनो अम्ल। तो फ्लोएम जो है जब फल को तो ढोता ही ढोता है, यानी कि भोजन को तो ढोता ही ढोता है, साथ साथ याद रखना है कि फ्लोएम जो है पौधों में बनने वाले अमीनो अम्ल का भी वहन करता है। यानी कि पौधों में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल को भी फ्लोएम का काम क्या करता है, इस अमीनो अम्ल को भी पूरे शरीर में वहन करता है, पूरे शरीर में ढोता है, फैलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए, पौधों के जड़ फल तथा बीजों के वृद्धि वाले अंगों के में
फिर से मिलाइएगा, पौधों के जड़ कॉमा फल तथा बीजों के वृद्धि वाले अंगों में, के वृद्धि वाले अंगों में विशेषकर भोजन को, विशेषकर भोजन को स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित का मतलब भेजा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरित का मतलब क्या होगा कि स्थानांतरित का मतलब होता है किसी दूसरे रूपों में या फिर दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना। तो ध्यान रहे, अक्सर जो है पौधों में क्या होता है कि पौधों में जड़, ठीक है, मेन पॉइंट्स जड़ हुआ, जड़, फिर फल और बीज में स्पेशल भोजन जो है विशेष कर से वहां पे पहुंचाया जाता है। तो ध्यान रहे, स्पेशल रूप से जो पौधों में कहां कहां भोजन सबसे महत्वपूर्ण स्थान में पहुंचाया जाता है, तो जड़ में ज्यादातर भोजन पहुंचाया जाता है, दूसरा बीज में, और जब फल लगता है पेड़ पौधों में तो हम लोग वहां पे फल में, ताकि वो फल जो है ज्यादा वृद्धि हो, फल में वृद्धि हो, फल जल्दी बढ़ पाए, इसलिए वहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करते हैं भोजन को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्लोएम ऊतक का अभी कार्य देख रहे थे कि क्या है। चलिए एक पॉइंट लास्ट है, उसको लिखा जाए। तो लास्ट पॉइंट, पौधों में भोजन के स्थानांतरण हेतु, पौधों में भोजन के स्थानांतरण हेतु कोशिका की सहायता से, कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में, लिखा हुआ है चालनी, चालनी नलिका में, चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा, ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी, ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में होती है, दोनों दिशाओं में होती है। ध्यान रहेगा, हम लोग सिर्फ जल के बारे में देख रहे थे कि जल का हमेशा परिवहन जो होता है ऊपर की ओर दिशा में होता है, ऊपरी मुखी होती है, लेकिन भोजन जो है दोस्तों वो दोनों ही दिशाओं में होती है, नीचे भी ऊपर भी। मान लिया कि यहाँ पे ये पौधा है, पौधा का पत्तियां यहाँ पे है, यहाँ पे पौधों की पत्तियां हैं, अब यही वो भोजन बना रहा है, तो यहां जब भोजन बना रहा है तो यहां से ऊपर भी भेजना है और नीचे भी भेजना है। तो याद रहे कि पौधों में जो भोजन बनता है उसका जो परिवहन होता है दोनों ही दिशाओं में होता है, ऊपरी मुखी का मतलब ऊपर और अधोमुखी का मतलब नीचे, तो दोनों ही दिशाओं में भोजन का परिवहन किया जाता है। ठीक है, और दूसरा बात कि भोजन जो बनाया जाता है वो भोजन चालनी नलिका के द्वारा ऊपरी मुखी और अधोमुखी यानी कि दोनों ही दिशाओं में भेजा जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग सिर्फ पौधों के बारे में पढ़े कि पौधों में भोजन और जल का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। फिर उसके आगे का एक टॉपिक्स है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब कि हमारे शरीर में जो खराब पदार्थ है उसको हम लोग शरीर से बाहर करते हैं, चाहे हम लोगों का बाल है ये भी शरीर का खराब पदार्थ है, इसीलिए ये निकलते रहता है। हमारे शरीर में और भी कोई खराब पदार्थ है जैसे नाखून है, हमारे शरीर से पसीना निकलता है, हम जो खाते हैं तो टॉयलेट के फॉर्म में जो बाहर करते हैं, चाहे मूत्र विसर्जन करते हैं, तो ये सभी क्या है, सभी उत्सर्जन कहलाते हैं। यानी कि उत्सर्जन का एक ही डेफिनेशन है, हमारे शरीर में जो अवांछनीय पदार्थ है जिससे शरीर को हानि पहुंचता है वह शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है, वह उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम क्वेश्चन को डील करेंगे, फिर उसके अगले क्लास में उत्सर्जन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।
धन्यवाद।